नीलांजन न्यूज में आपका स्वागत है। हम रखते हैं हर खबर पर नजर और देते हैं आपको पूर्ण, नवीनतम और विश्वसनीय खबर। हर इंसान का एक सपना होता है कि उसका खुद का एक घर हो जहां वो अपने परिवार के साथ रह सके। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो घर छोटा हो या बड़ा। वैसे तो आपने कई तरह के घर देखे होंगे, लेकिन आज जिन घरों की बात हम करने जा रहे हैं वो खुद में ही एक विचित्र घर है जहाँ लोग मजे से रहते हैं। वैसे तो दुनिया भर में ऐसे कई गांव हैं जिनमें से कुछ अपनी खूबसूरती के कारण जाने जाते हैं तो कुछ अजीबोगरीब परंपराओं के लिए मशहूर हैं। आज हम आपको ईरान के कंदोवन गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जहां लोग पक्षियों की तरह घोंसले बनाकर रहते हैं। आपको ये सुनकर थोड़ी हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। यहाँ लोग पक्षी के घोंसलों की तरह अपने घरों को बनाते हैं, लेकिन ऐसा क्यों है, तो आइए जानते हैं इसके पीछे का रहस्य। ये घर देखने में चाहे अजीब लगे, लेकिन रहने में काफी आरामदायक हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये गांव 700 साल पुराना है। यहाँ रहने वाले लोगों को ना हीटर की जरूरत पड़ती है और ना ही एसी की। दरअसल गर्मी के मौसम में ये घर ठंडे रहते हैं और सर्दी में गर्म। आप सोच रहे होंगे कि इन घरों का निर्माण कैसे और क्यों हुआ। यहाँ रह रहे लोगों के अनुसार ईरानियों ने ये गाँव मंगोलों के हमलों से बचने के लिए बनाए थे। कंदोवन के प्रारंभिक निवासी यहां हमलावरों से बचने के लिए आए थे। वो छिपने के लिए ज्वालामुखी चट्टानों में ठिकाना खोदा करते थे और वही उनका स्थायी घर बन जाता था। दुनिया भर में ये गांव अपने अनोखे घरों के लिए जाना जाता है।